तो फ्रेंड देखिए हमारा चिकन बन के हो गया रेडी, ये देखो चिली चिकन। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरोलिया ब्लॉग में। और अभी खड़ी हूँ मैं रसोई में, तो रसोई में बना रही थी मैं चिल्ली चिकन बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोगों से भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आगे दिखाती हूँ मैं चिल्ली चिकन कैसे बनाऊँगी, और आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में ज़रूर बनाना अगर अच्छा बने तो। देख लेना अच्छा बना है कैसा बना है। बाकी मेरी सारी रेसिपी आपको पता ही है मैं अच्छी बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ, तो मैं बनाती हूँ और आप लोग देखो ना कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने हाफ के जी चिकन ले लिया है, और ये मैंने 2 शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से कट किए हैं, ये देखिए। और ये मैंने लिए 2 प्याज, ये भी इस तरीके से मैंने कट किए, ये देखो। और ये मैंने लहसुन की कली कट किए, और 1 हरी मिर्ची, और ये मैंने 1 ऐड लिया है, और ये ग्रीन अनियन, ये देखो मैंने सिर्फ ग्रीन पोर्शन था सिर्फ वही लिया, वाइट वाला मैंने नहीं लिया। तो चलो बनाते हैं अब। तो फ्रेंड देखिए, ये 1 चम्मच डाल दूँगी मैं इसके अंदर नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा डालूंगी काली मिर्च पाउडर, बस। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स कर देती हूँ मैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 एग, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच मैदा, थोड़ा कम ही डालती हूँ 2 चम्मच से। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लावर, एग, इसलिए अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लावर चिकन के ऊपर चिपक जाएगा, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से हो गया मिक्स। अब 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे और फिर फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 10 मिनट हो गए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, तो कलर कितना अच्छा आ गया देखो चिकन का। तो इसको करते हैं हम फ्राई। इधर हमने कढ़ाई रख दी है, और इसमें ऑयल डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तो मैं चिकन फ्राई करती हूँ अब। तेल गरम हो गया और चिकन को करते हैं फ्राई, और सारा चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो मैंने सारा चिकन इसके अंदर डाल दिया और फ्राई हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड चिकन हो रहा है फ्राई, और इसे 5 से 7 मिनट तक मुझे फ्राई करना है, थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं निकाल लूँगी। ये देखो हमारा चिकन फ्राई हो गया, ये देखिए इतना क्रिस्पी है। देखिए फ्रेंड सारा चिकन रेडी हो गया, फ्राई कर लिया मैंने। और इधर मैंने ये कढ़ाई रेडी कर दी है, इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने ऑयल। तो बनाते हैं चिल्ली चिकन। देखिए फ्रेंड तेल गर्म हो गया है, और इसके अंदर जो मैंने लहसुन कट किया था वो इसके अंदर डाल दिया मैंने, और अच्छे से चला दूंगी। थोड़ा ब्राउन करने के बाद मैं इसमें ग्रीन चिल्ली डाल दूंगी, ये देखिए। इसको भी थोड़ा चला देंगे हम, और साथ ही में डाल दूंगी ये मैंने जो कट की थी शिमला मिर्च, इसको अच्छे से चलाएंगे। और फिर जो मैंने प्याज कट किया था वो भी मैं सारा इसके अंदर डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसको ज़्यादा मेरे को ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए प्याज भी और शिमला मिर्च, थोड़ा ही ब्राउन करूंगी। तो फ्रेंड इसके अंदर डाल दूंगी अब मैं थोड़ा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो
तो फ्रेंड अच्छे से हम कर देंगे इसको मिक्स। मैंने नमक डाल दिया, नमक मैंने कम डाला क्योंकि सॉस में डालूंगी, उन सारी सॉस के अंदर नमक होता है इसलिए नमक कम ही डालना आप। तो फ्रेंड देखिए अच्छे से ये मैंने ब्राउन कर लिया है, तो अब सारी सॉस इसके अंदर डलेंगी। तो मैंने ये टमाटो सॉस मैंने डाल दी है और ये रेड चिल्ली सॉस है ये भी इसके अंदर डाल दी। ये शेज़वान चटनी है ये भी मैंने एक चम्मच डाली है और ये सोया सॉस, और इसके बिना तो अधूरा है चिल्ली चिकन, तो ये तो मैं ज़रूर डालूँगी, इतना अच्छा कलर आ जाता है इससे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर घोल करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और नमक याद रहे, नमक डालना इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि सॉस के अंदर होता है बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। और ये मैं हनी डालूँगी आधा चम्मच, क्योंकि जो भी है सॉस और उसका बैलेंस कर लेता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अगर हनी नहीं है तो आप इसके अंदर शुगर भी डाल सकते हो। और ये मैंने ग्रीन अनियन डाल दिए हैं, तो ये थोड़े तिल डाले हैं, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसके अंदर डाल दूँगी मैं चिकन जो मैंने फ्राई किया था, और ये देखिए अब करूँगी मैं अच्छे से मिक्स, और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। तो बना के रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके इसकी, इतना अच्छा चिल्ली चिकन बना है ये। फ्रेंड देखिए कितना यम्मी, कितना टेस्टी लग रहा है ये चिल्ली चिकन। आप बाहर की जगह प्लीज़ मेरी रेसिपी देख के आप घर में ही बनाना, और बहुत ही टेस्टी बनेगा और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए, किसका मन नहीं करेगा। तो आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को मेरी चिकन की रेसिपी कैसी लगी, सॉरी चिल्ली चिकन की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत मेहनत से मैंने चिकन बनाया, चिल्ली चिकन बनाया। तो और इससे भी अच्छी रेसिपी आप लोगों को लेके ज़रूर आऊँगी, पर लेकिन जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे आप। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।